शायद ये वाला कहावत सबको याद होगा कि जिसके पास सोना है वो रूल्स बनाएगा, लेकिन आज से 5 साल बाद ये कहावत थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ऐसा होने वाला है कि जिसके पास बिटकॉइन है वो ही रूल्स बनाएगा। ऐसा होने वाला है, ना ही देश का रूल्स, पूरा का पूरा वर्ल्ड का रूल्स बनाने वाला है जिसके पास बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन किसी देश का करेंसी नहीं है। सो बिटकॉइन इज अ करेंसी विच डजंट हैव एनी बॉर्डर, सो दैट्स व्हाई बिटकॉइन जिसके पास होगा वो इस दुनिया का रूल्स बनाएगा। सो एनीवे, ये वाला वीडियो में मैं इंडियन क्रिप्टोकरेंसी रूल्स का कुछ टर्न ऑफ इवेंट, मतलब अमेजिंग टर्न ऑफ इवेंट, कुछ वेरी पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो स्टिक टू दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड ये वाला वीडियो बस आप लोगों को पॉजिटिविटी देके जाएगा और कुछ नहीं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग, जो लोग ये सोच रहा था कि क्या होगा दूसरा तीसरा, जो हम बाइनेंस कॉइनबेस की बात कर रहा था कि ये सब बैन होने वाला है, क्या बैन होगा या नहीं होगा, एंड साथ ही साथ मे बी ये वाला वीडियो खत्म करने के बाद आप में से कोई एक या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई दोस्त, किसी का जॉब भी बन सकता है क्रिप्टो करेंसी फील्ड में आने वाला टाइम पे। टू नो अबाउट इन डिटेल्स, डू नॉट स्किप दिस वीडियो विदाउट फिनिशिंग इट टिल द वेरी एंड। तो आगे जाने से पहले लेट्स स्मैश अप द लाइक बटन टू अ न्यू ऑल टाइम हाई, इट्स लाइक अ रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ स्मैशिंग लाइक बटन। एनीवे, इफ यू न्यू टू दिस चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टे प्रॉफिटेबल टू स्टे अपडेटेड एवरी सिंगल डे। आगे जाके इन नेक्स्ट फ्यू डेज मैं 3 ऐसा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जो हर किसी को 3 से 5x तक रिटर्न देने वाला है इन दिस कमिंग बुल साइकिल। सो यू डिसाइड के सब्सक्राइब करना है या फिर छोड़ देना है। सो एनीवे Let's dive into today's topic first, के इंडिया में क्रिप्टोकरेंसी बिल में क्या क्या पॉजिटिव साइड आया है, क्या क्या पॉजिटिव साइड आगे भी आने वाला है। एडिशनली और एक टॉपिक के बारे में बता के जाऊंगा कि बिटकॉइन इज गोइंग टू ओवरटेक डॉलर, मतलब बिटकॉइन डॉलर को ओवरटेक कर देगा, मतलब बिटकॉइन विल बी द नंबर वन करेंसी इन दिस वर्ल्ड। लाइक डॉलर इज अ रिकॉग्नाइज्ड करेंसी, लाइक कोई भी हो, यूरो हो, फिर दिरहम हो, जितना भी वर्ल्ड में करेंसी से, सबका करेंसी एक ही स्टैंडर्ड से मापा जाता है जिसका नाम है डॉलर। चाहे डॉलर का भाव जहां पे भी गिर जाए, डॉलर इज द प्राइम करेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड। बट नाउ देयर इज अ न्यू स्लोगन, बिटकॉइन विल डोमिनेट द डॉलर। इसके ऊपर भी बातें करूंगा, इसका क्या क्या प्लस पॉइंट और क्या क्या माइनस पॉइंट है, जो कि आप लोगों को शायद हेल्प करेगा यू नो टू नेविगेट योर बिटकॉइन जर्नी थ्रू आउट द लाइफ लॉन्ग, की आने वाले सालों तक, कि बिटकॉइन को आप किस नजरिया से, किस एंगल से देखो, जिसके चलते आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। सो आज सुबह के एकदम गर्मा गर्म ताजा न्यूज, इंडिया क्रिप्टो बिल में टेक अ पेज आउट ऑफ द न्यू आईटी रूल्स एंड आस्क एक्सचेंजेस टू अपॉइंट अ ग्रीवेंस ऑफिसर। तो ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है पता है, मतलब उसको बोलते हैं कमांडिंग ऑफिसर। तो मतलब सोच लीजिए, गवर्नमेंट को उस एक्सचेंज के बारे में जानना है या फिर उस एक्सचेंज के बारे में कुछ अपडेट लेना है, देन गवर्नमेंट के साइड से कोई एक अपॉइंटेड पर्सन उस पर्टिकुलर एक्सचेंज का ऐसा एक अपॉइंटेड पर्सन के साथ कनेक्ट करेगा जिसके पास ए से लेके जेड तक सारे के सारे इंफॉर्मेशन रहेगा, लाइक आईटी रिलेटेड रूल्स, लाइक फाइनेंस रिलेटेड रूल्स, अकाउंट्स रिलेटेड, मतलब इंफॉर्मेशन कि कितना पैसा ऊपर गया है, कितना पैसा नीचे आया है, कितना पैसा इनफ्लो हुआ है, कितना पैसा आउटफ्लो हुआ है, अगर कुछ ज्यादा मतलब करोड़ों में कोई ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन का ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब क्या वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हुआ है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे हुआ है। तो ये सारे के सारे चीजों में आप बोल सकते हो एक पर्सनल असिस्टेंट, जो असिस्टेंट के साथ साथ जिसको मैनेजमेंट पे, फाइनेंस पे, आईटी रूल्स में, सारे के सारे चीजों में माहिर होना पड़ेगा, एंड एटलीस्ट जिसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रहना पड़ेगा इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड। लाइक ऑलरेडी फेसबुक एंड व्हाट्सएप का ऐसे ही एक ग्रीवेंस ऑफिसर है, तो फेसबुक के साइड से जो है उसका नाम है स्फूर्ति प्रिया,
एंड सेकेंड व्हाट्सएप के साइट से जो अपॉइंटेड है जिसका नाम है परेश बी लाल। तो ऐसे ही इंडिया में जितना ऑलरेडी एग्जिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है लाइक इंडियन सॉइल पे वॉजिरेक्स कॉइन डीसीएक्स को फलाना ढिमकाना और जो जो है छोटा मोटा। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला न्यूज है जिसके चलते मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाला न्यूज शेयर करने के लिए, विच इज जितना भी फॉरेन एक्सचेंजेस है लाइक कॉइन बेस बाइनेंस और भी जितना सारे एक्सचेंज इंडियन सॉइल पे बिजनेस करना चाहता है आफ्टर जो भी रूल्स आने वाला है जो भी स्ट्रक्चर आने वाला है इंडिया में ये कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में ऑफिशियली काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये सारे के सारे एक्सचेंज के साइड में एक ऐसा अपॉइंटेड पर्सन रहेगा जो कि गवर्नमेंट को नोटिस देगा, आई डोंट नो क्वार्टरली बेस और लाइक कॉल ऑन डिमांड कुछ भी हो सकता है, जिसका बस यही काम रहेगा कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए या फिर कुछ भी गवर्नमेंट के साइड से टोकन रेज हुआ तो उसको विद इन 24 आवर्स टू 15 डेज में उसको रिजॉल्व करके सिक्योर करना। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ जो फॉरेन एक्सचेंजेस बैन होने का एक स्पेकुलेशन था वो भी ये वाला न्यूज के चलते थोड़ा बहुत 90% क्लैरिटी आ रहा है कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंजेस भी बैन नहीं होने वाला है। तो इसके मतलब और इसमें कोई रश नहीं है कि आप उधर से बेच के इधर लाओ, मत बेचो भाई, एक ही बॉटम लाइन है मत बेचो, ये टाइम पे मत बेचो। बट डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 12 to 15 months There will be a time जब मार्केट साथ ही साथ शेयर मार्केट एक ऐसा पीक में आएगा जिसके बाद उसका डाउनफॉल तय है एंड जो बेयर मार्केट आने वाला 2 to 3 years तक चलेगा लाइक टिल 2024 एंड वो वाला बहुत क्रूशियल मोमेंट होगा, तब आप अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योर करो नॉट कैश आउट सिक्योर करो। तो उस टाइम पे मैं एक बेल रिंग कर दूंगा एंड साथ ही साथ सारे के सारे उपाय भी बता दूंगा कि कैसे एलोकेट करो अपना एसेट्स ताकि आपको चारों तरफ से फायदा हो। तो एनीवे वो टाइम अभी नहीं है, 2022 इवन 2023 का हाफ क्वार्टर वन तक खुल के खेलो खुल के कमाओ ताकि नेक्स्ट 1 to 1.5 years तक जितना भी टाइम बेयर मार्केट रहेगा उतना टाइम आप लोगों में से किसी को रोना ना पड़े। नाउ दैट फैक्ट कि बिटकॉइन इज गोइंग टू डोमिनेट डॉलर इसमें कोई भी सेकेंड थॉट नहीं है। आई बिलीव फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट नॉट ओनली डॉलर पूरा का पूरा वर्ल्ड में जितना सारा करेंसी है सबका बाप होगा बिटकॉइन। मैं बिटकॉइन को जिस एंगल से देखता हूँ बिटकॉइन इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू है जिसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करोगे, मतलब लाइक गोल्ड लाइक रियल एस्टेट, ऐसा ही एक एसेट क्लास में बिटकॉइन होना चाहिए। सो मेरे लिए बिटकॉइन एक ऐसा चीज है चाहे वो कहीं पे भी पहुंच जाए $500 लोग ऐसा भी बोल रहा है कि 2031 तक मतलब आने वाला 10 साल में हर एक बिटकॉइन का प्राइस $1 million तक पहुंचेगा, मतलब पर बिटकॉइन एज यू नो इन टोटल 21 million बिटकॉइन है। और जहां पे फिएट मनी लाइक डॉलर लाइक INR जिसका काउंट इन्फिनिटी है जिसके लिए ये इन्फ्लेशन आ रहा है जिसके लिए प्राइस बढ़ रहा है, पेट्रोल का प्राइस 110 आलू का प्राइस मुझे नहीं पता है मैं आलू नहीं खाता हूँ मैं फिटनेस फ्रीक हूँ एनीवे, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस ऐसे कभी नहीं होने वाला है। बिटकॉइन का प्राइस विद द टाइम बढ़ने वाला है क्योंकि बिटकॉइन का जो नंबर ऑफ कॉइन्स है विच विल बी अ फिक्स्ड फॉर एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ। So that's why Bitcoin कहीं पे भी पहुंच जाए मैं कभी भी Bitcoin बेच के कुछ नहीं खरीदूंगा। Is a good store of value जहां पे आप invest करके आप उसको आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ये आपको आने वाले 10 सालों में आपके invested asset को 100x तक लेके जाएगा। But I am not in a favor to purchase something against Bitcoin. So that's my point of view. आप अपना point of view बता सकते हो in the below ताकि सबको पता चले भाई। आप लोग भी कुछ बताओ मुझे भी कुछ जानने का मन करता है। So that's it from my side guys. बहुत जल्दी मिलते हैं next video पे। Enjoy your day. ये वाला week बहुत सही week होने वाला है as Bitcoin moving towards $53,000. सब कुछ change होने वाला है. Take care of yourself. Dave signing off.